दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले को देखते हुए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम का ऐलान किया। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपनी टीम में दो ऐसे बदलाव कर दिए जिनको देख पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई है। आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी टीम में कौन से दो बड़े बदलाव किए और अपनी टीम में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है बेहतर खिलाड़ी, इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जहां मुख्य बल्लेबाज मुख्य मुकाबले 22 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे, जिसमें कुल 12 टीमें फाइनल तक पहुंचने का सफर तय करेंगी। हालांकि इससे पहले 16 टीमों के बीच घमासान मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ 12 टीमें ही आगे पहुंच पाएंगी। आपको बता दें, भारतीय टीम का पहला और मुख्य मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 23 अक्टूबर को सबसे बड़ी चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान के खिलाफ होगा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम पिछले वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी, लेकिन इस महामुकाबले के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम में बड़ा बदलाव करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान किया है। रोहित शर्मा ने भारत की टीम को बदलते हुए कई बड़े बदलाव कर दिए, जिसमें पांड्या ने पारी की शुरुआत करने के लिए राहुल और अपने आप को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। रोहित का मानना है कि राहुल और मुझसे बेहतर ओपनर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन केएल राहुल जैसा साथी पूरी दुनिया में किसी भी टीम के पास में नहीं है। ऐसे में भारत की टीम सलामी जोड़ी के तौर पर काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा रोहित ने मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली और रोहित सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है, जहां दोनों बल्लेबाज टीम को लगातार मुकाबले जिताते हुए आ रहे हैं और आगे भी टीम को अपनी करिश्माई बल्लेबाजी से जिता सकते हैं। जिसमें विराट कोहली का फॉर्म तो शानदार है, तो वहीं सूर्य कुमार यादव अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कोहराम मचाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रोहित ने विकेट कीपर के तौर पर दिनेश कार्तिक को ऋषभ पंत से पहले शामिल किया है, क्योंकि ऋषभ पंत का फॉर्म इस समय काफी ज्यादा खराब है। तो दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक दिन ब दिन बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में उनकी जगह टीम में पहली पक्की हो रही है। इसके अलावा रोहित शर्मा ने ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांडे और अक्षर पटेल को शामिल किया है, जहां पर दोनों ऑलराउंडर अपनी बल्लेबाजी के साथ शानदार गेंदबाजी से टीम को जीत दिला रहे हैं और वर्ल्ड कप में जीत दिलाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा फिरकी गेंदबाज के रूप में रोहित शर्मा ने युजवेंद्र चहल को अपनी चालाकी से विकेट निकालने की क्षमता के कारण शामिल किया है। रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में गेंदबाजों में काफी ज्यादा बदलाव किए हैं, जहां तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह सभी की पहली पसंद है, क्योंकि इन्होंने अभी तक दिल दहला देने वाली गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। इसके अलावा उनका साथ देने के लिए अनुभवी भुवनेश्वर कुमार को बाहर का रास्ता दिखाते हुए हर्षल पटेल को शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार इस समय काफी ज्यादा बेकार गेंदबाजी कर रहे हैं, ऐसे में उनकी जगह हर्षल पटेल को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद शमी को जसप्रीत बुमराह के बैकअप खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है, ऐसे में उनकी जगह टीम में परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर शमी ही खेलते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम क्या होनी चाहिए, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।